तो दोस्तों देखा आपने इस मशीन का कैसा प्रेशर है, एक 30 सेकंड के अंदर ही मैंने फास्ट एकदम कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है वो कट कर दिया। तो मैं आपको जैसे कि बताया था पिछले वीडियो में कि आपको मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूं, तो अभी आज इस वीडियो में कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा कि ये कैसा काम करता है। इस तरह देखो मेरे आज मेरे पास क्या क्या है, देखो ये देखो ये मेरे पास ये रॉड है, एक्सटेंशन रॉड, ये देखो ये 90 डिग्री एंगल, ये देखो आप हर तरह से घुमा सकते हैं इसको, किसी भी एंगल में पानी मारना है तो, अगर गाड़ी के चक्के के नीचे भी पानी मारना है तो इसके लिए ये बेटर रहता है, ठीक है। ये सब मैं आपको प्रॉपर जो है ना आज परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा ये कैसा काम करता है। और प्लस हमारे पास है ये फोम कैन, ये भी दिखाऊंगा ये इस मशीन से जो है ना, ये जो W3 जो न्यू मॉडल है इससे फोम कैन कैसा काम करता है वो भी दिखाऊंगा, फोम कैसा वॉश होता है देखेंगे, कैसा मतलब फोम ये सॉरी ये जो फोम कैसा निकलता है ना वो देखेंगे। और ये मेरे पास है दूसरा ये पिन, जो इसके आगे जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का जो है अलग अलग पिन लगते हैं, ये मैं सब आपको आज ये करके दिखाऊंगा। प्लस आपको देखो ये जो दो बाल्टी पानी है दिख रहा है, ये दो बाल्टी पानी से फुल गाड़ी भी वॉश करके दिखाऊंगा, फुल कार जो है ना दो बाल्टी पानी से वॉश भी करके दिखाऊंगा। चलो आज का वीडियो में ये होने वाला है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कंटिन्यूसली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रॉड का दिखाऊंगा आपको, ये रॉड कैसा काम करना है, एक्सटेंशन जो रॉड है 90 डिग्री एंगल भी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा काम करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो ये इसको अगर हम पुश करेंगे ऐसा ऐसा अगर प्रेस करेंगे ऐसा, ये देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया है ना, इसको हम साइड रखते हैं। सबसे पहले हम ये नोजल लगाएंगे, आपको दिखाता हूँ ये, यस ये जो नोजल है देखेंगे ये किस में कैसा अलग अलग पैटर्न टाइप है ना, देखेंगे किस तरह का कैसा पैटर्न है। मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये कैसा काम करता है। ये देखो सबसे पहले ये हम ब्लैक वाला लगा के देखेंगे है ना। चलो ये हम अभी गन में कनेक्ट करते हैं, ये गन में कनेक्ट करने के आगे का नोजल निकालना पड़ेगा ऐसा, ये नोजल मैं साइड रखता हूँ। ओके ये देखो अब मैं इसको लगा दिया, आप देखेंगे कैसा प्रेशर आता है। हाँ ये देखो ये एक्चुअली कम प्रेशर है, देखो हाँ ज़्यादा ये है नहीं, स्प्रेड करा ज़्यादा आउटपुट पानी निकला पर प्रेशर काफ़ी कम है। चलो ठीक है इसको अभी साइड रखते, ये एक पैटर्न हो गया, अब ये देखते कैसा है। वाह इसमें थोड़ा प्रेशर है, देखो इसका अलग पैटर्न है, देखो इसको ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो ये ऐसा पैटर्न है। चलो अब ये भी साइड रखता हूँ, येलो हो गया और ये रेड की बारी, देखते हैं हर किसी में कैसा अलग अलग पैटर्न आता है। अभी रेड में देखेंगे कैसा आता है। अच्छा रेड में थोड़ा सा सीधा पॉइंटेड टाइप है, थोड़ा हल्का सा स्प्रेड है ना, ये पॉइंटेड टाइप है। ओके रेड भी हो गया, अब ये वाइट देखेंगे इसमें कैसा आता है, ये भी स्प्रेड टाइप है देखो, एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंट नहीं, पिछले वाला स्प्रेड टाइप है वैसे ही था। चलो अभी ये लगा के देखते इसमें कैसा आता है, ये भी उसी तरह का है क्या। चलो अभी ये जो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो भी है ना ये जितने सारे हैं मुझे लगता है इसमें से एक भी काम का चीज़ नहीं है, आपको ये गलत फहमी होगा, मेरे को तो सही नहीं लगा। ये देखो ये जो पाँच है ना पिन, मुझे लगता है पाँच का पिन तो काम का नहीं है, पर ये आपको ये 90 डिग्री है ना इसका कुछ काम खास काम रहेगा, ठीक है आपको मैं अभी दिखाता हूँ ये सिस्टम कैसा है। ये जो है ना ये तो मेरे को कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि देखो इसके बाद ये जो पाँच जो है अलग अलग पॉइंट का जो ऐसा बता रहा है कंपनी वाले, तो पर मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं। देखो उससे अच्छा तो डायरेक्टली हम ये लगा सकते ना, देखो जैसे कि मैं इसका ये निकल दिया, ये देखो ये हमने ये इसका पॉइंट ये वाला निकल दिया, ठीक है अभी हम डायरेक्टली ये जो है ना ये भी इधर लगा सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने ये कंपनी का जो मशीन के साथ जो आता है ना नोजल सामने का, मैंने वो लगा दिया, तो ये आपका पाँच का जो पॉइंट है वो छोटा सा वो ज़रूरी नहीं है। देखो ये देखो अभी ये कैसा काम करेगा, ये देखो आपको फैलाना है, देखो ये चौड़ा कर चौड़ा करने को आता है, ये देखो स्ट्रेट तो स्ट्रेट करने को आता है, ये देखो ये सीधा भी हो जाएगा, तो आपको कैसा चाहिए आप वैसा खुद इससे भी कर सकते ना। देखो ये देखो ये देखो ये चौड़ा ये देखो स्ट्रेट ये देखो इसको घुमाओगे और जैसे अलग अलग पैटर्न बनेगा, ये देखो तो आपको कैसा चाहिए वैसा आप उससे इससे कर सकते, जितना चाहिए उतना, ये देखो अलग अलग आपको जितना चाहिए उतना आप इससे कर सकते हो। तो मेरे को लगता है ये जो नोजल है ना अलग अलग पॉइंट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो नोजल दिया है, मेरे को ये कुछ खास लगा नहीं है, ऐसे ज़रूरत भी नहीं है मुझे ऐसा लगता है। मतलब इसका ज़रूरत कैसा पड़ेगा पता है, ये मैं आपको बताता हूँ, दूसरा बात बताता हूँ मैं आपको, वो जो पॉइंट वाला सिस्टम है सिर्फ उसमें आपको अंदर साइड में ज़रूरत पड़ेगा वो पॉइंट का, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने ये 90 डिग्री एंगल लगा दिया ना, ये 90 डिग्री एंगल, तो ही आपको जो है ना ये पॉइंट काम आएगा ये इधर लगाने के लिए, क्योंकि 90 ये जो है ना आपका जो ये जो नोजल है ये आप इधर नहीं लगा सकते, मतलब इसके आगे लगा नहीं सकते, इधर फिट नहीं होता है, तो तभी ये जो है ना पॉइंट जो भी है ना ये जो नोजल है ये काम आता है ये 90 डिग्री यूज़ करने के टाइम। चलो मैं आपको अभी ये भी 90 डिग्री अभी यूज़ करके बताता हूँ ये कैसा काम करता है। तो हमारा ये जो पॉइंट निकला था ये फिर से हम डाल देंगे ऐसा, ये ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ता, जस्ट नॉर्मल हाथ से टाइट किया तो हो जाता है ठीक। वो ये देखो ये हो गया, अब हम 90 डिग्री एंगल का दिखाता हूँ आपको, इसको प्रेस करके डालने से अच्छा रहता है, ये प्रेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, वो गाड़ी के नीचे मारना है ना, तभी अपने को चाहिए कौन सा भी एक पॉइंट लगाते हैं हम ऐसा,
देखता हूँ इसका पहले प्रेशर कैसा आता है, क्या सिस्टम मुझे भी पता नहीं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा आता है। यस यस, तो अब मैं जो है ना ये टायर के नीचे जो अभी यूज़ कर सकते हैं, अभी देखो चक्के के नीचे 90 डिग्री एंगल का नोजल लगाने के बाद, ये जो नोजल है छोटा सा जो डिफरेंट पैटर्न है वो हमने अभी लगा दिया, देखो हाँ अब देखो ये कैसा काम करेगा। यस ये देखो, आपको अभी मैं कैमरा नज़दीक ला करके दिखाता हूँ, ये देखो अभी ये बराबर से काम करेगा, ये 90 डिग्री एंगल लगा दिया ये वाला है ना, और ये एक्सटेंशन रॉड लगा दिया, अब हमको गाड़ी के नीचे मारने को आएगा। अच्छा इजीली, ये देखो वाओ, आप ऐसे ही मतलब बॉडी के नीचे भी मार सकते हो, चेसिस के नीचे भी मार सकते हो, मैं आपको मार के दिखाता हूँ कैसा करना है। ये देखो अभी ये 90 डिग्री एंगल ऐसा कर दिया, देखो अभी जाएगा नीचे साइड में, हाँ ये देखो, वाओ, आप कार के नीचे भी बड़े आसानी से आप जो है मार सकते हो इस नोजल से। तो एक्चुअली ये नोजल जो है ना आपको सीधा लगाने के लिए नहीं दिया हुआ है, सीधा तो आप अपना ये मशीन का ये भी लगा सकते हो, मतलब नोजल भी लगा सकते हो। एक्चुअली ये सिर्फ जब हम कार के नीचे भी मारते हैं ना तभी इस पॉइंट का जरूरत पड़ता है, इसीलिए वो नोजल दिया हुआ है, ये जो नोजल वगैरह है इसीलिए दिया हुआ है, देखो इस तरह का नोजल चार पाँच जो दिया है इसीलिए दिया हुआ है। चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये कितना एंगल में काम करता है, देखो ये ऊपर से लेकर के ये पूरा डायरेक्टली नीचे जाएगा, एक्चुअली पूरा फुल 90 डिग्री एंगल भी नहीं है, थोड़ा सा 90 डिग्री एंगल से थोड़ा सा कम है, फिर हम चेक करेंगे अभी देखो। हाँ ओके, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है हम अभी एक स्टेप नीचे लेंगे, ये थोड़ा सीधा, ये थोड़ा फिर एकदम फुल सीधा, और थोड़ा सा नीचे, ये फुल नीचे है। चलो ये इतना फुल पैटर्न है, आपको तो समझ में आ गया कितना डायरेक्शन में है, तो मैंने अपना गन सीधा रखा, बस सामने वाले को घुमा के दिखाया वो कितना एंगल में घूमता है। चलो अभी ये इसका आपको समझ में आ गया ना, अभी मैं ये काम करता हूँ इसका, अभी आगे का निकाल देता हूँ आपको मैं, अभी इस फोम कैन का जो है ना इसका अपडेट करके बताऊँगा, ये फोम कैन से कितना अच्छा फोम होता है, क्या नहीं होता, क्या सिस्टम है। और दूसरा बात देखो, ये फोम कैन आपको अलग से खरीदने को मिल जाएगा, ठीक है, और आपको फुल ये सेटअप चाहिए, देखो ये अगर फुल सेटअप चाहिए तो इसका भी ये भी मिल जाएंगे फुल सेटअप, फोम कैन ये और ये भी अलग से मिल जाएंगे। तो आपको किस तरह का चाहिए, खाली आपको फोम कैन चाहिए तो 1500 का पड़ेगा, ये फुल सेटअप चाहिए तो 3500 का पड़ेगा, ठीक है। तो और अब शैम्पू, आप शैम्पू जो है ना वो निक शैम्पू यूज़ कर सकते हो। तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, ये मशीन का है, ये जो भी है चीज़ें, मैं हर चीज़ का जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के हर चीज़ें खरीद सकते हैं अमेज़न से, ठीक है। तो चलो मैं आपको अभी फोम वॉश करके दिखाता हूँ, ये कार जो है ना फुल आपको फोम वॉश करके दिखाऊंगा इस मशीन से। चलो इसका आगे लगाऊंगा, एक्चुअली मैं तो डायरेक्टली आप इधर देखो इधर भी लगा सकते हैं इस फोम कैन को, और डायरेक्टली नहीं तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, मैं डायरेक्टली अभी मेरे पास एक्सटेंशन लंबा वाला गन है ना, तो सोचा कि आज मैं इधर लगा के ये फोम कैन जो इधर लगा के आपको मैं वॉश करके बताऊंगा कैसा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करने का, इसको पानी मारने का कार को है ना, उसके बाद जो है हम इसको फोम स्प्रे कर देंगे। ये देखो फोम स्प्रे करने का इसको, ये W3 न्यू मॉडल है, ये देखो वाओ, अच्छा तो हो रहा है और क्या, मस्त हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये देखो अभी मैंने गाड़ी वॉश किया है, ये देखो पूरा चकाचक क्लीन हो, एकदम शाइन हो गया गाड़ी को, देखो चमक गया। और जो शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ वो निक्स कंपनी का शैम्पू यूज़ करता हूँ मैं, आप भी यूज़ कर सकते हो, मस्त है, देखो पूरा गाड़ी जो है चकाचक हो गया। चलो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।